दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CTT and DET's Preparation में। और आज के इस वीडियो में मैं NCERT के क्लास 5 के ABS के चैप्टर 6 के बाकी बचे टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। और प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है बुंद बुंद दरिया दरिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका जब फर्स्ट वीडियो आया था उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जानते थे, ये उस समय की बात है, आप अभी की नहीं, काफी दिन पहले की। हर बूंद की कीमत जानते थे और बूंदों का इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहर बनवाए जाते। यह एक साझी जरूरत थी और तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती और इस तरह आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती थी। इस चैप्टर में हम लोग तालाब बावड़ी वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस समय क्या होता था कि बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाता था, तालाब और जोहर बनवाए जाते थे, ठीक है। और उसमें बूंद बूंद होके पानी इकट्ठा होता था और कुछ पानी जो होते थे सो जमीन सोख लेता था और इसकी वजह से वहां जो कुएं थे और बावड़ियां थी वहां भी पानी चला जाता था, कुआं और तालाब में भी पानी चला जाता था और आसपास की जमीन जो थी वह भी नम और उपजाऊ हो जाती थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पानी जब जमीन सोखती थी तो आसपास का जो कुआं और बावड़ी था उसमें भी पानी चला जाता था। इसके बाद है, राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बस 10-12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल के कई महीने पानी नहीं रहता है। अब देखिए, राजस्थान के जैसलमेर के अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे साल में 10-12 दिन ही बारिश होती है। सोचिए कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा इन लोगों को कि साल में 10-12 दिन ही बारिश होती है और अधिकतर समय में वहां की नदियों में पानी नहीं होता है, ठीक है। आगे है बावड़ी। अब बावड़ी होता क्या है, बावड़ी शब्द इसमें बार बार आ रहा है इस चैप्टर में। अब बावड़ी होता क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सीढ़ियां जमीन के नीचे, ध्यान दीजिएगा, सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही होती है। बावड़ी में सीढ़ियां जो होती है सो कई मंजिल नीचे तक जाती रहती है, ठीक है। पानी ऊपर से खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। देखिए क्या होता था कि बावड़ी जो होती थी उसमें नीचे उतरने के लिए, पानी तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा सीढ़ियां बनी होती थी। अब जैसे हम लोग कुआं वगैरह से पानी खींचते हैं तो फिर ऊपर से ही बाल्टी वगैरह कुछ भी डाल के पानी खींचते हैं, लेकिन इसमें बावड़ी में क्या होता था कि लोग खुद सीढ़ी पे चढ़ के सीढ़ियां उतर के पानी तक पहुंच सकते थे, ठीक है। इसलिए इसको सीढ़ीदार कुआं भी कहते थे क्योंकि बहुत ज्यादा सीढ़ियां बनी होती थी। जब मैंने एनसीईआरटी बुक को एक्सप्लेन किया था तो उसमें इसका चित्र भी दिया गया है बावड़ी का कि किस तरह से उसमें सीढ़ियां बनी हुई रहती है। इसके बाद है मुसाफिरों के लिए पानी का इंतजाम। देखिए उस समय, जबकि ये कहानी है, जबकि ये बात है, उस समय मुसाफिरों के लिए पानी का इंतजाम कैसे किया जाता है, तो प्याऊ बनवा के, मशक बनवा के, ठीक है। इसके बाद साल पुराने पानी के स्रोत, यानी काफी साल पुराने पानी के स्रोत थे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा, ठीक है। ध्यान दीजिए, बावड़ी, तालाब, नौला और धारा एक प्राचीन काल के पानी के स्रोत है। अब उत्तराखंड के बारे में जान लीजिए, यहाँ पर पानी से जुड़े कई रिवाज, त्योहार और जश्न मनाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में पानी से जुड़े हुए कई त्योहार हैं, कई रिवाज हैं, कई रस्म मनाए जाते हैं। उसमें एक बहुत ही रोचक रस्म है, जब नई दुल्हन आती है शादी करके तो वहां का तालाब जो होता है या बावड़ी, वहां पे जाके पूजा किया जाता है, वहां जाके वो पूजा करती है जो दुल्हन आती है। लेकिन आज इसका जगह एक बहुत ही अजूबा चीज ले लिया है, जब हम जो हमारे घर में नल होती है उसी के पास जाके जो दुल्हन होती है वो पूजा कर लेती है। लोग इन चीज को भूल गए हैं, इस रिवाज को भूल गए हैं। पूजा तो आज भी करते हैं लेकिन नल के पास पहले किया जाता था, जो वहां तालाब होते थे, बावड़ियां होती थी, उसके पास जाके पूजा किया जाता था। आज नल के पास चापाकल जो भी है घर में उपलब्ध, वहीं पे दुल्हन पूजा कर लेती है।
1986 में जोधपुर और आसपास के इलाके में जब सूखा पड़ा तो भूली बिसरी बाबरियों को फिर से याद किया गया। ध्यान दीजिएगा, सूखा कब पड़ा? 1986 में। कहाँ? जोधपुर में और जोधपुर के ही आसपास के इलाके में। उस समय जो बाबरिया थी, जो भूली बिसरी बाबरिया थी, जिनको लोग छोड़ दिए थे, उनको उसको फिर से याद किया गया। और उसके बाद क्या किया गया, उस सारी बाबरियों में कचरा भरा हुआ था, लोग पूरा उसको छोड़ दिए थे, उस पानी का इस्तेमाल करते नहीं थे, पूरा कचरा भर गया था। जिसने गांव वाले ने जब सूखा पड़ा तो उस गांव वाले मिलके उस बाबरी से 200 ट्रक कूड़ा निकाले। ध्यान दीजिएगा, 200 ट्रक, कितना ज्यादा गंदगी भरा हुआ रहा होगा कि उसमें से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकला। और बाबरी ने फिर से गाँव वालों को पानी पिलाई, और क्या हुआ कि उसके बाद फिर से बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई, और वह बाबरी फिर से भर गया जैसे पहले था। लेकिन आज फिर से लोग उस बाबरी को भूल गए हैं, फिर से उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिए हैं, जो नहीं करना चाहिए। शायद कभी फिर सूखा पड़े, फिर वैसी समस्या है और उन्हीं परेशानी से इन लोगों को जूझना पड़ जाए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, सूखा कब पड़ा? 1986 में जोधपुर और वहां के आसपास के इलाकों में। ठीक है, इसके बाद है तरुण भारत संघ नामक एक संस्था पानी के इंतजाम से जुड़ी है। एक संस्था है जिसका नाम है तरुण भारत संघ, इससे क्वेश्चन आ चुका है सीटेट एग्जाम में। तो यह संस्था जो है, ध्यान दीजिए, इसका नाम है तरुण भारत संघ। ठीक है, और यह संस्था पानी का इंतजाम करती है, पानी के इंतजाम से जुड़ी रहती है। अब एक दरकी माइक का छोटा सा स्टोरी उसमें दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। यह राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली है, बूढ़ी है। अब ये जिस गांव में रहती है, उस गांव में क्या होता था कि पानी के कमी से वहां के सारे लोग जूझते रहते थे, और वहां की ज्यादातर महिलाएं और लोग जो थे सो पशुपालन वगैरह करते थे और उसी में लगे रहते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था जो पशुओं के लिए, पानी के लिए, इन लोगों को पूरे रात तक पानी वहां कुआं के पास रहना पड़ता था, पानी निकालना पड़ता था। और जब गर्मियों में कुआं सूख जाती थी, पानी उसमें नहीं होता था, तो फिर क्या करना पड़ता था इन लोगों को, उस गांव को छोड़ना पड़ता था। लेकिन दल की माई ने पहल की और तरुण भारत संघ नामक संस्था से मिलकर अपने गाँव के लिए तालाब बनवाई, और आज उस गांव के सारे लोग बहुत खुश हैं। और तालाब बनने से क्या हुआ, पानी की कमी जो थी सो दूर हो गई। और पानी की कमी जब दूर हुई तो जो पशुपालन वहां लोग करते थे उसके लिए, पशु के लिए आसानी से पानी मिलता था। पानी के कारण जब पानी उपलब्ध हो गई, आसानी से चारा उपलब्ध हो पाता था, जिसके कारण जो उनका बिजनेस था, जो वो दूध वगैरह बेचते थे, उसके साथ साथ वो दूध का मावा बनाकर भी बेचने लगे, जब पानी की समस्या वहां से दूर हुई। तो इस चैप्टर में इतने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो हमारे सीटेट पेपर 1 के लिए हेल्पफुल है। आगे के वीडियोस में मैं चैप्टर 7 को एक्सप्लेन करूंगी। आगे का वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इसे लाइक करें, और हमें कमेंट करके तो जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।